हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कैट सिक्स में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक है, बिहार में निकली हुई सिविल कोर्ट की वैकेंसी, स्टेनोग्राफर की भर्ती की समस्याओं को लेकर। देखिए, बिना किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के और बिना किसी नेम फेम के अगर आप अपनी बातों को सरकार तक रखना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? आपको उन जनप्रतिनिधियों के पास जाना होता है जो कि आपके क्षेत्र से संबंधित है। वो भी अगर बात नहीं सुनते हैं तो जो जिला स्तर पर जनप्रतिनिधि है उनसे मिलते हैं जाकर। वो भी अगर बात नहीं सुनते हैं तो आप जो है राज्य लेवल पे, यानी कि राज्य के स्तर पे आप मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री या फिर गृह मंत्री से अपनी बातों को रखते हैं और अपनी समस्याओं को वहां पे समझाने का प्रयास करते हैं। तो ये काम कर रहे हैं आपके ही एक गुरु, आपके छात्र नेता दिलीप कुमार, जिनका सपोर्ट आप लोग हमेशा कीजिए। और हम अपने चैनल के माध्यम से उनके कुछ नोटिफिकेशंस हैं जो कि सरकार तक पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा। लेकिन जब बात गुरु की हो रही है यहाँ पर, तो एक गुरु की और बात करूंगा, क्योंकि आज सुबह सुबह जो है इनसे मिलकर दिल ना गदगद हो गया, क्योंकि बहुत समय के बाद इनसे मिले हैं। और ये जो सर हैं, ये धर्मेंद्र सर हैं, जिनको देखकर हम लोगों ने यूट्यूब पे बहुत सारी चीजें सीखी हैं और इनको देखकर आगे बढ़े हैं। इनके मोटिवेशन जो चीजें हैं वो हम लोग इनके वीडियोस से प्राप्त किए और आप लोगों तक सब कुछ जो है अपने माध्यम से अपनी चीजें जो है डिलीवर करते हैं। तो ये माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल के धर्मेंद्र सर हैं, अगर आप लोग इनको जानते हैं, वैसे तो जानते होंगे ही। और इनको फॉलो कीजिए जाकर। अगर आप लोग यूट्यूब पे नए हैं, जो चाहते हैं यूट्यूब पे अपना करियर बनाना, तो शायद मुझे लगता है कि इनसे बेस्ट आप लोग को अच्छा गाइड कोई नहीं कर सकता है। बहुत ही ग्राउंड टू अर्थ हैं ये सर, और आज इनसे मेरी मुलाकात हुई तो दिल गदगद हो गया। नमन है सर आपको भी। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज आप हम सब पर आशीर्वाद यही बनाए रखिएगा। तो चलिए आज के इस अपडेट पे चलते हैं और सब कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बिहार में सिविल कोर्ट की वैकेंसी का अपडेट दिया होगा। जी हाँ, और सिविल कोर्ट की वैकेंसी को लेकर जो वैकेंसी आई है स्टेनोग्राफर में, उसकी वैकेंसी को लेकर एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे आप लोगों तक है। क्योंकि देखिए, यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी बातें समझाने का प्रयास करूंगा। सिविल कोर्ट में जो वैकेंसी निकली है दोस्तों स्टेनोग्राफर की, है ना, यहाँ पे 2016 के भर्ती से लेकर अभी तक की इस भर्ती में बहुत सारे बदलाव देखे गए हैं। मतलब बहुत सारे बदलाव क्या देखे गए हैं, तो इनके टाइपिंग को लेकर जो कि समस्याएं बनी हुई हैं इसमें। दूसरा समस्या है उम्र सीमा को लेकर, क्या एज क्राइटेरिया को लेकर। देखिए, एज क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पे क्या समस्या आ रही है एज क्राइटेरिया में, वो भी बताऊंगा यहाँ पे। तो सिविल कोर्ट में स्टेनोग्राफर भर्ती है तो विज्ञापन को संशोधित करने के लिए यह मांग की जा रही है। और ये मांग कर रहे हैं राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के नेता हैं दिलीप कुमार, और ये माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखा गया है। जी हाँ, इनमें क्या मांगे रखी गई हैं, और आप लोगों को इस वीडियो को शेयर करके उन सभी छात्रों तक पहुंचाना जरूरी है जो कि इसके लिए मांग रखें हमेशा। और हो सकता है कि बहुत मेरे मित्र ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पे अपना वीडियो शेयर करते हैं और यही नोटिफिकेशंस अपडेट देते हैं, तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इनको सपोर्ट करें, इनको लेकर आगे बढ़े, ताकि इनकी बातें जो है, छात्रों की समस्याएं जो है उनको सुलझाया जा सके। बता दें आपको कि विभिन्न पदों पर यहाँ पे आवेदन शुल्क कम कम करने की बात रखी गई। तीसरी मांग है ये, यानी कि तीन मांग है, विज्ञापन को संशोधित किया जाए, किसको लेकर, टाइपिंग को लेकर जैसा कि 2016 में था। और दोस्तों, ये विभिन्न पदों के हेतु यहाँ पे शुल्क चार्ज जो कि यहाँ पे 800 रुपये शुल्क चार्ज रखा गया है फॉर्म भरने को लेकर। और ये तीन चार तरह की वैकेंसी है जहाँ पे तीन तरह की वैकेंसी का फीस 800 रुपया है ना, और जो ग्रुप डी का वैकेंसी है वो 600 रुपये का फीस है। तो आप समझ सकते हैं कि आप एक वैकेंसी निकाल रहे हैं जहाँ पे 7,900 600 है ना, 7,692 692 सीट है, यानी कि लगभग 8,000 सीट के लिए वैकेंसी निकालते हैं, और आप 800-800 रुपये फीस चार्ज करते हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए। तो इस फीस की कटौती कीजिए। तेजस्वी यादव जी और माननीय मुख्यमंत्री जी दोनों से ये आग्रह है, क्योंकि ये बातों को इसलिए आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है क्योंकि सबसे मुख्य कारण क्या है कि आप लोगों ने सरकार में आने से पहले बोला था कि हम कोई फीस चार्ज नहीं लेंगे आप लोगों से फॉर्म भरवाने का। आप लोगों ने अपनी बातों को रखा था ना ये इलेक्शन के समय में। लेकिन चलिए, आप मुख्यमंत्री नहीं बने हैं तेजस्वी जी, लेकिन आपकी सरकार है, आप लोग फीस लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप इसको 100 से 150 रुपये तक का फीस चार्ज कीजिए। और जितना भी वैकेंसी आता है बिहार में उसका फीस चार्ज इतना ही होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेंट्रल लेवल पे जितनी वैकेंसी आती है, SSC उठा लीजिए तो वहां पे फीस 100 रुपये रखा जाता है ना। बैंकिंग सेक्टर में जाते हैं तो भाई उनका खर्च होता है वहां पे, आपको लाखों की तादाद में छात्र होते हैं, उनको कंप्यूटर सिस्टम जो है देना होता है, CBT एग्जाम लेते हैं वहां पे लोग, तो उनका एग्जाम का खर्चा बैठता है। तो समझ में आता है कि आप 500 रुपये वहां पे
फीस चार्ज ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आप ओएमआर बेस्ड एग्जाम ले रहे हैं पहली चीज, है ना, और आपको यहाँ पे 800 रुपए का खर्च बैठा रहे हैं, तो ये छात्रों के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो जा रहा है। और एक वैकेंसी तो है नहीं कि एक वैकेंसी के लिए फॉर्म भरते हैं, ये छात्र तीनों वैकेंसी के लिए फॉर्म भरेंगे, तो कम से कम 8 × 3 = 2400 तो यही हो जा रहा है, और 600 रुपए जो है आपका प्यून के लिए भर्ती को अगर भर देते हैं अगर वहां पे, तो कि उसमें भी नौकरी लग जाए, तो ये समझ सकते हैं कि 2400 से लेकर 3000 तक की यहाँ पे फीस हो जाएगा। तो इसको कम करने का छोटा सा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, है ना, मांग है आप लोगों से कि आप लोग समझिए बातों को और इसको कम कीजिए। दूसरा यहाँ पे है कि देखिए उम्र सीमा को लेकर जो है यहाँ पे बोला गया है, अब यहाँ पे 2016 में वैकेंसी निकाली गई थी सिविल कोर्ट की, है ना, अब 2016 के बाद यहाँ पे अब 5 साल बीत चुके हैं, लगभग 2022 चल रहा है यहाँ पे, है ना, तो 2022 यानी कि 5 साल में जो छात्र छूट गए, वैसे तो वैकेंसी आप लोग को हर साल निकालनी चाहिए, लेकिन अगर वैकेंसी नहीं भी आई है तो इसमें एज क्राइटेरिया में कुछ छूट दिया जाए, ताकि 2-3 साल का ही छूट दे दीजिए, ताकि वैसे छात्र जो कि यहाँ पे फॉर्म भर सकते थे अगले वर्ष वो फॉर्म भर ले, यहाँ पे उनको छूट मिल जाए। तो ये एक छोटा सा रिक्वेस्ट यहाँ पे है। और तीसरा यहाँ पे अपडेट है दोस्तों कि इनके एज क्राइटेरिया को लेकर और विज्ञापन में संशोधन को लेकर, अब संशोधन के ऊपर चर्चा करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कथन लिखा गया है इनके संबंध में जो है, निवेदन पूर्वक कहना है कि बिहार में सिविल कोर्ट के स्टेनोग्राफर की जो कुल 4 पदों हेतु वैकेंसी आई हुई है, 6 वर्ष के बाद आई है, तो कई खामियां हैं उसमें, उनमें सुधार करने की जरूरत है, लाखों स्टूडेंट है यहाँ पे जो कि परेशान है, और अभ्यर्थी जो है यहाँ पर जो टंकन जांच होता है आप लोग का यहाँ पे स्टेनो में, अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं में आंसू लेखन की योग्यता मांगी गई है, यानी कि कंपलसरी है यहाँ पे नोटिफिकेशन, आप लोग जब पढ़िएगा तो ये चीजें कंपलसरी लिखी गई है कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में आपका आंसू लेखन आना चाहिए। पूरे बिहार भर में जहां भी आंसू लेखन टाइपिंग का ट्रेनिंग होता है वहां पे बोथ आपको टाइपिंग का स्पीड चेक नहीं करवाया जाता, या तो आप इंग्लिश में कर रहे हैं या तो आप हिंदी में कर रहे हैं, समझ रहे। तो ऐसे छात्र जो कि सिर्फ हिंदी में टाइपिंग करना चाहते हैं वो तो फिर फेल हो जाएंगे इंग्लिश में, और वैसे छात्र यानी कि जो हिंदी में जानते हैं इंग्लिश में जानते हैं वो तो हिंदी में फेल हो जाएंगे। तो आप जो है ये लगभग 1500 पदों की वैकेंसी निकाल कर क्या चाहते हैं कि ये फॉर्म भरा ही नहीं जाए, ऐसे मात्र 10 से 15 या फिर ऐसे 10% ही स्टूडेंट मिलेंगे आपको जो कि दोनों ही पद्धतियों में ये आंसू लेखन करना जानते होंगे, तो उनको सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी सीट का क्या करेंगे आप, यहाँ पे ये बहुत बड़ी धांधली हो सकती है, भ्रष्टाचार इसमें भी लिप्त हो सकता है, तो माननीय तेजस्वी यादव जी से और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से ये अनुरोध है कि प्लीज इस पे संज्ञान लिया जाए, और आंसू लेखन की इस योग्यता पे जो आप है इसमें संशोधन करवाइए, यहाँ पे या तो आप हिंदी में लीजिए या तो अंग्रेजी में लीजिए या बाइलिंगुअल लीजिए, ये 3 ऑप्शन आपने जो दिया है यहाँ पे, इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन को करिए कि किसी एक में आपका जो है क्वालिफिकेशन मतलब जो है आंसू लेखन की जांच जो है आप करवा सकते हैं तो कर सकते हैं, तो ये एक ही एग्जाम लीजिए कोई एक, है ना, किसी एक में आपको पास होना जरूरी है, ऐसा विकल्प डालिए यहाँ पर, नहीं तो सीटें खाली रह जाएंगी। और देखिए यहाँ पे एक चीज और लिखा गया है कि आंसू लेखन त्रुटि सीमा जो है ये 5% का रखा गया है, यानी कि 5% ही आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है, जबकि 2016 में ये 15% का रिलैक्सेशन था कि अगर टाइपिंग स्पीड में मतलब कोई छोटी मोटी गलतियां होती हैं तो वहां 15% तक जो है गलतियों को सुधार के लिए वो आयोग जो है आपको बाधित रखता है कि मतलब चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ये छूट है आपको यहाँ पे इतना छूट मिल सकता है। तो ये जबकि हाल ही में संपन्न हुए पटना उच्च न्यायालय जो कि पटना हाईकोर्ट का वैकेंसी था उसमें त्रुटि सीमा 15% रखा गया था, अब सिविल कोर्ट में 5% रख दिया गया है, तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई यहाँ पे कि भाई जो तेज स्पीड और अच्छा टाइपिंग करेगा तो उनका यहाँ पे जांच जो है उनको रखा जाएगा यहाँ पे टाइपिंग में, तो स्टेनो में पास किया जाएगा उनको, है ना, सिर्फ 5% का ही रखा गया है, लेकिन ये 15% जब हाई कोर्ट दे रहा है तो सिविल कोर्ट में इतना कम क्यों, इसको भी सुधार करने की जरूरत है यहाँ पे, और ये छोटी सी मांग है। देखिए बहुत लोगों को यहाँ पे क्या होगा ना कि इस मांग को लेकर खटपट भी होगी, है ना, कि चलो ठीक है वैकेंसी आया है भरने दो, जैसे तैसे सब फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे, क्योंकि बहुत लोग इसमें ऐसे भी होंगे जो कि सेटिंग करवाने में लग चुके होंगे तो उनको दिक्कत होगी, और वैसे लोग कमेंट भी करेंगे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है और ना ही दिलीप कुमार जी को फर्क पड़ता है, क्योंकि वो आवाज और ये आवाज है ना ये बिहार के छात्रों के लिए हमेशा उठी है और हमेशा आगे बढ़कर उठाते रहेंगे हम सब। तो आप लोगों का ये जो अपडेट है दोस्तों इनके सुधार को लेकर लिखा गया है कि 15% का ही रखा जाना चाहिए, 4 तरह के वैकेंसी है और 800-800 रुपए फीस लग रहा है, इसको यहाँ पे 150 या 200 के आसपास फीस कर दीजिए,
ताकि सभी फॉर्म हम लोग भर सके यहाँ पे छात्र। और इसके पहले सिविल कोर्ट के लिए 2016 में वैकेंसी आई थी, अतः वैकेंसी आई हुई समय यहाँ पे 5 साल हो गया है, तो 5 साल के लिए एज रिलेशन और थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए यहाँ पे, जो कि 18 से 37 साल तक का एज क्राइटेरिया है, उसको थोड़ा सा 2 या 3 साल और बढ़ा दीजिए, ताकि और भी छात्र जो है इसका फॉर्म भर सके। अतः श्रीमान से प्रार्थना है और इन बातों को गंभीरता पूर्वक लिया जाए। बिल्कुल ये हमारी बातें जो कि आप लोगों तक हम भी पहुंचा रहे हैं इस नोटिफिकेशन के जरिए, और ये नोटिफिकेशन देखिए 23 तारीख को ही अपडेट किया गया था, 23 सितंबर को, और आज इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस भी बना रहे हैं हम लोग, और आगे भी बनाते रहेंगे जब तक ये मांग पूरी नहीं हो जाती है। लेकिन सरकार से सिर्फ हम लोग मांग कर सकते हैं, सरकार अगर इन सभी चीजों को देखते हुए और अपनी बातों को रखता है और हमारी बातों को समझता है, तो जरूर इस पे संज्ञान लेगा और कुछ ना कुछ सुधार करने का भी कोशिश यहाँ पे करेगा। तो ये दोस्तों अपडेट हो चुका है, आपको बता दें कि दिलीप कुमार जी जो कि छात्र नेता है यहाँ पे, और ये सारा डिटेल पहुंचाया जा चुका है, और अपनी बातों को हमने यहाँ पे रखने का छोटा सा प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के ग्रुप में, और इतना शेयर कीजिए कि सरकार के कानों तक जा बैठे। तो ये छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से, बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें इस वीडियो के माध्यम से, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले नई वैकेंसी के नए अपडेट पर जल्दी। जय हिंद।